राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज मीडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लगता है तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है। सप्त सुरंगी गढ़ की यात्रा का आगाज हो चुका है और सभी श्रद्धालु यात्रा को लेकर काफी पुरजोश हैं। शिरपुर वाला ये रथ आज मालेगांव पहुंचा, जहां आज मौसम पुल पर मालेगांव की कई संगठनों द्वारा इस रथ और रथ के आयोजकों का शानदार स्वागत किया गया। मुल्क के हालात को देखते हुए सिटी एएसपी अनिकेत भारती और डीवाईएसपी तेजबीर सिंह संधु समेत अन्य अधिकारी अलर्ट मोड पर है। बीते दिनों के तजुर्बात से सिटी एएसपी अनिकेत भारती ने नए बस स्टेशन से लेकर देवी का मल्ला तक आम जनता, दुकानदारों और समाज सेवकों से मुसलसल मुलाकात की, ताकि शिरपुर का रथ अमन और शांति के साथ यहां से गुजर जाए। मुस्लिम भाइयों के पवित्र महीने रमजान और ईद के त्योहार की छुट्टियों के कारण आगरा रोड से जाने वाली इस यात्रा को ट्रैफिक या कोई अन्य वजह से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। आगरा रोड के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है। मालेगांव की आगरा रोड से गुजरने वाली सप्तश्रृंगी गढ़ की यात्रा में शामिल लोगों से शहर के मुस्लिम जिम्मेदारान ने मुलाकात की और यात्रा को लेकर इनके इस प्रयास की सराहना की। साथ ही पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर फिक्स प्वाइंट बनाए गए। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ आरसीबी दस्ता और ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया गया है। हालांकि इतनी कड़ी धूप में गढ़ की यात्रा में जाने वाले लोगों के लिए शहर के मुस्लिम भाइयों द्वारा ठंडे पीने के पानी और शरबत का बंदोबस्त बड़े पैमाने पर किया गया। साथ ही सभी श्रद्धालुओं के लिए छांव में बैठने और इनके आराम करने का भी बंदोबस्त किया गया, जिससे देश और दुनिया भर के लोगों को यह संदेश जाता है कि अगर आपको असली हिंदू मुस्लिम एकता देखनी हो तो वो एक बार मालेगांव शहर आकर जरूर देखें। ब्यूरो रिपोर्ट, अब तक न्यूज़ इंडिया।